पॉलीथीन बैन को लेकर नगर निगम की तरफ से जागरूकता किया गया। नगर निगम अधिकारी सीपी सिंह और गाजियाबाद की मेयर आशा शर्मा ने मीडिया के माध्यम से पॉलीथीन बैन में कहा कि लोगों को पॉलीथीन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करने की सलाह दी। दुकानों में अगर किसी तरह की पॉलीथीन का इस्तेमाल किया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 19 तारीख को पॉलीथीन को लेकर रैली निकाली जाएगी, इसमें कई स्कूली के बच्चे भाग लेंगे। स्वच्छता रैली के रूप में आयोजन किया गया। हमारे मुख्य अतिथि इसमें आवास विकास मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी रहे। हमारे सभी इसमें सांसद, विधायक, हमारे एमएलसी, मंत्री जो अन्य उनमें सभी इसमें मुख्य रूप से रहने वाले हैं। 100 के 100 पार्षद हैं हमारे, सारे लोग उनके वार्ड से सम्मानित रहेंगे। हमने इसमें 30 स्कूलों को भी भागीदारी बनाया है, 30 से 35 की संख्या हो जाए। कल आप बैठे थे, सब लोग उनकी प्रिंसिपल्स को बनाया था। हम मेरे तिराहे से एक बच्चों को मानव श्रृंखला के रूप में उनके हाथ में एक तख्ती पकड़ाकर वहां से शुरू करके कलेक्ट्रेट से होते हुए और लास्ट में रामलीला ग्राउंड तक वहां आए। 9 बजे से हम लोग का कार्यक्रम है। इसमें एनजीओज भी हैं, इसमें हमारे आरडब्ल्यू के लोग भी हैं, और इसमें हमने जो हर वार्ड में स्वच्छता समिति बनाई है उनके लोग भी हैं। और मैं तो आपके माध्यम से कहूंगी कि इसमें आप लोग भी जुटे, क्योंकि शहर आपका भी है। मीडिया एक ऐसी चीज है जो किसी भी चीज को, किसी भी कार्यक्रम को सफल और असफल बना सकती है। आप लोग इसमें आपका योगदान रहेगा, आप लोगों के यहाँ से भी सब लोग आएंगे, आप भी प्रेरित करें कि गाजियाबाद आपका है। तो इस तरह से हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया। हमारा 9 बजे से लगभग 3.75 किलोमीटर रूट रहेगा हमारा, और माननीय जी मंत्री जी खुद इसमें हमारे साथ पूरी रैली में रहेंगे। कभी नगर रामलीला ग्राउंड से हम शुरू करेंगे, सीधा शास्त्री नगर सर्वोदय से काट उत्तम स्कूल के बगल से होते हुए मेन रोड से कलेक्ट्रेट के सामने से आते हुए सी ब्लॉक से एंट्री करते, फिर हम इसका समापन कभी नगर रामलीला ग्राउंड में करें। एक अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है, विशेष स्वच्छता। इसको हमने ये भी देखा है कि हम हर वार्ड से भी इसमें वार्ड लोगों को भी प्रेरित करा है कि आप भी अपने वार्ड को विशेष स्वच्छ करें। बहुत अच्छा, तो सब लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स आया। और रोटरियंस से भी मैं कल, यानी कई रोटरी क्लब से, लॉयंस क्लब में मैं खुद लॉयंस क्लब की भी बैठक ली थी। मतलब जो भी गाजियाबाद का एक अंश है, एक हिस्सा है, सब चूंकि एक सबका सामूहिक कार्यक्रम है, कोई पर्टिकुलर किसी दल विशेष किसी पार्टी का नहीं है, सरकारी कार्यक्रम है, पूरे गाजियाबाद का कार्यक्रम है। सारे गाजियाबाद के हमारे लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और एक अच्छा संदेश। हमारे यहाँ 100 वार्ड है, 100 वार्ड में डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है। इवन हम कमर्शियल मार्केट में भी डोर टू डोर कलेक्शन करा रहे हैं। काफी एक हद तक सेग्रीगेशन भी शुरू हुआ है। पर्पज ये है कि लोग जागरूक हो, अपने घरों से गीला कूड़ा अलग करके दें, सूखा कूड़ा अलग करके दें। इन्हें कूड़े से कंपोस्ट बन जाती है, उसके लिए ना बहुत लैंडफिल की जरूरत होती है, कूड़ा खाद में बन जाता है, उसके बाद किसान या अन्य जगह यूज होता है। दूसरा, पॉलीथीन और प्लास्टिक बहुत बड़ा पर्यावरण के लिए और जनमानस के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। बैन लगा है, विरोधात्मक कार्रवाई और जो पकड़ धकड़ की कार्रवाई है वो की जा रही है, लेकिन लोग जागरूक हों, ना तो प्लास्टिक यूज करें ना पॉलीथीन यूज करें। तीसरा ये है कि हर आदमी स्वयं में स्वच्छता उसके जीवन का, उसके दिनचर्या का हिस्सा हो, तो जागरूकता एक उद्देश्य है इस स्वच्छता विशाल रैली का। और इसीलिए 19 तारीख को प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक इस रैली का आयोजन किया गया है। डेमो भी सर वही होगा? हाँ, जितने भी हमारे अभिनव प्रयोग लोगों ने किए हैं, काफी समितियां हैं, काफी जनता के लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं गाजियाबाद में, उनका भी प्रयोग वहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन होगा।